दरवाजा खुला है यार, दिखता नहीं क्या? हेलो, सॉरी, मुझे लगा नंदू है। और अगर मैं नंदू नहीं हूँ तो क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? प्लीज आइए ना। नंदू मीनू ने क्या कुछ शरारत की है? शरारत तो आपने की है जी, इतने दिनों से गायब जो रही। क्या लेंगे आप, चाय? नहीं, मैं तो मम्मी जी से मिलने आया था। वो प्रोविडेंट फंड के सारे पेपर्स वकील के पास ले जाने, और दादाजी ने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है। लेकिन मम्मी तो आज इतनी जल्दी नहीं आने वाली, देखती हूँ शायद मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, जल्दी नहीं है, अपॉइंटमेंट कल का है। हाँ, अगर आप मुझे भगाना चाहती हैं तो बात अलग है। नहीं सर, वैसे भी आप मुझे दादाजी समझती हैं, मैं जानता हूँ। सर सर बोलकर मेरा सर गंजा कर देने का आपका इरादा है, ये भी मुझे मालूम है। उम्र में भले ही आप मुझसे 4-5 साल बड़े हो, लेकिन आप इतना कुछ जानते हैं, कितना कुछ समझते हैं। और एक मैं हूँ कि मम्मी की कोई मदद नहीं कर पाती। ये सब दौड़ धूप तो मुझे करनी चाहिए थी, मम्मी का हाथ बटाना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह ये सब आपको करना पड़ता है। ये किसने कहा कि मुझे सब करना पड़ रहा है? मम्मी जी का काम करना मुझे अच्छा लगता है। आई रिस्पेक्ट हर, एडमायर हर। और जब दादाजी ने मुझसे कहा, उनके मदद के बिना तो मैं ये थीसिस वगैरह अधूरी छोड़कर किसी ऑफिस में क्लर्की कर रहा होता। मेरे छोटे छोटे सपने, मैं और मेरी बकबक। नहीं सर। अच्छा, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, सरकारी दफ्तरों में या वकीलों के पास, जहां भी मैं उस काम के लिए जाऊंगा, आप क्यों नहीं चलती है मेरे साथ? आपको जानकारी भी हो जाएगी। लेकिन मेरे चलने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? हाँ, जब तक सड़क पार करने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, और किसी वकील के सामने आप अचानक रोना ना शुरू करें, मुझे मम्मी के पास जाना है, तब तक मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? ओ सर, आप तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। दीदी दीदी, आप पता है स्कूल में? अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी इजाजत के बिना आपके घर कदम रखने की गुस्ताखी मुझसे हुई। चलो, अच्छा हुआ। पता है क्या हुआ? हाँ, तो पता है क्या हुआ? आज स्कूल में हमारा सरप्राइज टेस्ट हुआ। और आपने जो मैथ सम्स दिए थे ना, वही के वही सारे के सारे आ गए। और फिर पता है क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। ओहो, हाँ, तो पता है क्या हुआ? सारे क्लास के, जल्दी बोल। सारे क्लास के सम्स गलत निकले, सिर्फ मेरे करेक्ट। तब तो मुझे भी कुछ इनाम मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ। एक प्यारी सी पप्पी। मैं बच्ची हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आज हमारे क्लास में भी सरप्राइज टेस्ट हुआ था, और वो भी मिस डिसूजा के पीरियड में। मिस डिसूजा? ओह माय गॉड, सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, तो हमें पहले से ही पता था कि वो सरप्राइज टेस्ट देने वाली है, तो हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। जैसे ही टीचर क्लास में आई, सब लड़कियां बातें करने लगी, और टीचर यू दरवाजे में खड़ी
और हम हैं बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं। दो मिनट, तीन मिनट, पूरे पांच मिनट हो गए, ना टीचर अंदर आ रही है ना हमारी बातें रुक रही हैं। और फिर अचानक मिस डिसूजा चिल्लाई, गर्ल्स तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्लास में आ रही हूँ? स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। और पता है लीनू, पता है क्या हुआ? हम सब गाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ना दो तीन लड़कियों ने टीचर को जाके विश भी किया, हैप्पी बर्थडे टू यू मिस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे टीचर का चेहरा देखने लायक हो गया था। फिर तो टेस्ट की छुट्टी हो गई होगी। अरे नहीं, मिस डिसूजा की आंखों में आंसू आ गए, बोली, गर्ल्स 10 साल तक किसी ने मेरा जन्मदिन याद नहीं किया, तुम लोगों ने याद रखकर यू मेड मी सो हैप्पी। हम तो सब हक्का बक्का हो गए। फिर बोली, असल में मैं सजा देने वाली थी, लेकिन तुम्हारा प्यार देखकर दिल नहीं करता, इसलिए अभी हम छोटी सी सरप्राइज टेस्ट करेंगे और उसके बाद मेरी तरफ से सारी क्लास के लिए आइसक्रीम। मिया की ज्यूती मिया के सर। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम आजकल की लड़कियां शरारत में लड़कों के भी कान काटती हो। लड़कों के कान क्यों काटेंगे सर? मुहावरा है इडियट। मतलब? मतलब हम लड़कों से भी तेज हैं। हाँ, नहीं तो हम जब स्टूडेंट थे बेचारे एकदम सीधे साधे, सिर्फ पढ़ाई से मतलब। शरारत तो किस चिड़िया का नाम है जैसे पता ही नहीं। शरारत किसी चिड़िया का नाम थोड़ी होता है मीनू, मुहावरा है। इससे पहले कि हम मुहावरे की ट्यूशन शुरू हो जाए मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सर, एक मिनट। दीदी के हाथ के बड़े आप खाने बैठेंगे ना तो जिंदगी भर हिलेंगे नहीं। बहुत अच्छा। वाह दीदी वाह। और देखते देखते लड़कियों के लिए निखिल हीरो बन गया, या यूं कहिए हमारे चारों बच्चों को एक सुपरमैन मिल गया। निखिल इतना समझदार, इतना मिलनसार, और फिर थोड़ा थोड़ा गाइड, थोड़ा थोड़ा फिलोसोफर, थोड़ा थोड़ा यार भी। निखिल भी अपना काफी सारा वक्त मम्मी के काम में लगाने लगा, और सब काम के बावजूद भी पता नहीं कैसे वो लड़कियों के लिए समय निकाल ही लेता, खासकर अलका के लिए। और अलका भी धीरे धीरे बदलने लगी। सर के लिए भी बचा के रखना हूँ। इस बदलाव पर और किसका ध्यान सबसे पहले जाता? सिवाय
नंदू के। आजकल बहुत गाना वाना चल रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुमने ये नहीं पूछा कि मीनू कहाँ है? अरे हाँ, मीनू कहाँ है? तुमने ये भी नहीं पूछा कि मुझे भूख लगी है कि नहीं? अरे जो भी चाहिए वो निकाल के खा लो ना। और तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैंने आज स्कूल में क्या किया? किया क्या होगा, बचकानी शरारते की होगी और क्या। कल तक तो तुम उन्हीं शरारतों का मजा लेती थी, तब तो वो बचकानी नहीं लगती थी। हाँ, ये सज धज के कहाँ जा रही हो? तुमने क्या पुलिस का रोल लिया है क्या, ये पूछताछ वगैरह? और क्या मैं तुम्हारे परमिशन के बिना घर के बाहर नहीं निकल सकती? जरूर निकल सकती है अलका देवी, लेकिन मैं ये जानने की जुर्रत कर सकती हूँ कि आपका साथ निभाने वाला। शट अप! क्या हुआ है तुझे? अगर स्कूल में सजा मिली है तो उसका खुन्नस मुझ पे क्यों उतार रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना स्कूल में मुझे सजा मिली है। ओहो, जान के बहुत खुशी हुई। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कुछ हुआ हो या ना हो तुम्हें जरूर हुआ है। मुझे? मुझे क्या हुआ है? ओ दीदी, कहाँ खो गई वो चादर में बतियां थी रातें, वो खुशफुस बातें, थोड़ी गप्पे, थोड़ी हंसी, थोड़े गम और थोड़ी खुशी, कहाँ खो गई वो? सच पूछो तो अब ये सब बचकाना लगता है। तुम बच्चों के बीच में अनजाना लगता है। हाँ, हम बच्चों की बातें तो बचकानी होती है, पर निखिल की वही खुशफुस बातें मीठी होती है। सच पूछो तो हाँ। निखिल जी, हम सबके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं। हाँ? हाँ। ओहो निखिल जी, कितने प्यारे निखिल जी, सबके दुलारे निखिल जी। निखिल जी बस, निखिल जी बस, निखिल जी बस, निखिल जी। ओ शट अप! सच पूछो तो सचमुच अब बचकाना लगता है, इस बच्ची के साथ में उफ अनजाना लगता है। बोल बेटे, क्या बात है? समझ में नहीं आता, कैसे बताऊं? बोल कर, और कैसे? मजाक नहीं मम्मी, मामला बहुत सीरियस है। सॉरी, बोल क्या बात है? मम्मी, वो निखिल तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लड़का है। तुम लोग भी तो हंसते खेलते हो उसके साथ। हंसते खेलते थे जब मुझे भी लगता था कि वो अच्छा है, तो अब? अब तो आई हेट हिम, इतना गुस्सा आता है उसे देखकर। क्यों नंदू, क्या किया उसने तुझे कुछ? अरे वो मुझे क्या कर सकता है, मैं कोई बुद्धू थोड़ी हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। तो फिर? ओफो मम्मी, तुम इतनी भोली हो, तुम अच्छी हो इसलिए तुम्हें सब लोग अच्छे दिखाई देते। अच्छा बाबा, आप साफ साफ बता, बात क्या है? ओ मम्मी, अलका पर कुछ जादू कर दिया है उसने, तुमने गौर किया है? अलका कैसे आजकल ना हमारे जोक्स पर हंसती है, ना हमारे साथ खेलती है, लेकिन निखिल के एक इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाती है। और निखिल जहां भी जाता है उसके पीछे पीछे पूंछ की तरह घूमती है। कितनी शर्म की बात है ना, एक आदमी के पीछे ऐसे पूंछ की तरह घूमते रहना। लेकिन तुम भी तो शंकी के साथ छेड़छाड़ करती रहती हो ना। कहां शंकी और कहां निखिल,
शैंकी तो अपना है। वो निखिल वो थोड़ी ही अपना है, वो बाहर का है मम्मी। देखो बेटे, हमारे अपने कौन है और पराए कौन, ये तय करने का हक भी तुम्हारे को मिलना चाहिए ना। जब तुम बड़ी हो जाओगे तब अगर मैं ही तुम्हारे लिए ये सब तय करने लगूं तो। मतलब तुम अलका को मना नहीं करने वाली? तुम्हारी उलझन में समझती हूँ, और खासकर अलका के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहती हो ये भी मैं जानती हूँ, मगर मेरी एक बात मानोगे? अपने पंख पसारने की कोशिश कर रही है अलका, करने दो उसे, वो बड़ी हो रही है, उसका आसमान बड़ा हो रहा है। नंदू, एक दिन तुम भी इसी तरह बड़ी हो जाओगी, शंकी भी बड़ा हो जाएगा, और कुछ साल बाद मीनू भी। तुम लोगों की दुनिया भी बड़ी होने लगेगी, आसमान बड़ा हो जाएगा। और नंदू बेटे, अगर हमें अलका से प्यार है तो हम उसे बांध कर तो नहीं रखेंगे ना, उल्टे उसे खिलने का, फैलने का, बड़ा होने का मौका देंगे, है ना? क्या बात है बेटे, अभी भी कुछ नहीं? मम्मी, मैं चुप रहूंगी। जब तुम कहती हो तो, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि ऐसा लगता है कि निखिल अलका से शादी करना चाहेगा, और फिर वो हुआ तो सब खत्म हो जाएगा मम्मी, सब खत्म। ओ दीदी, दीदी कहाँ खो गई तू? ओ दीदी, दीदी कहाँ खो गई तू? चादर में बतियाती रातें, ढेर सारी खुशबूस बातें, के लिए नहीं रुकोगी? नहीं, मन नहीं कर रहा। क्या हो गया तुझे? लंच ब्रेक में भी नहीं खा रही थी हमारे साथ खाना, और अकेले बैठकर खा रही थी। तो मैं क्या कभी अकेले बैठकर नहीं खा सकती क्या? पता नहीं आजकल तेरे भेजे को क्या हो गया। चल रही है? मैं हमेशा धूप में चलती हूँ शंकी, तुम्हारी तरह गाड़ी में नहीं घूमती। हाँ, इसलिए तो तुम्हारा दिमाग गर्म रहता है। अरे सॉरी बाबा, बोलो माफ कर दिया और घुस जाओ गाड़ी में। ठीक है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेकार घर लिए पहुँचे तो दादाजी गुस्सा करेंगे। ओहो हरी, कितनी बार कहा है कि कम से कम नंदू के सामने मुझे शंकी बाबा मत कहो, और बोल दो दादाजी से कि मैं नंदू के साथ आ रहा हूँ। जाओ। आ गए दुम की तरह पीछे। नंदू, तुम कुछ ज्यादा रूट बन रहे हो। हाँ तो मत बोलो ना मुझसे, बस बात खत्म।
अरे व्हाट्स बगिंग यू यार, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ। मीनू ज्यादा तकलीफ दे रही है क्या, या फिर से वो प्रोविडेंट फंड की प्रॉब्लम्स बढ़ गई? लेकिन निखिल सर और अलका दीदी तो कह रहे थे कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। निखिल सर और अलका तुम्हें कहाँ मिले थे? अरे मेरा ट्यूशन खत्म होते होते अलका दीदी आई थी, दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। निखिल सर और अलका, ए नंदू मुझे लगता है कि उन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ रही है ना? शट अप, एक झापड़ दूंगी तो पता चलेगा। हाँ ठीक है तो फिर आज से हमारी दोस्ती भी खत्म। अब तो चैन से सांस लूंगी। मैं लेने दूंगा तब ना, बाद में पछताओगी कह देता हूँ। कहो मेरे ठेंगे से।